वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हमारे घर कौन आ रहे हैं हर्ष? हमारे घर आ रहे हैं सौरभ जी और पीयूष। उनका कॉल आया सुबह, उन्होंने पूछा आप दिल्ली में ही हो। तो भाई सरप्राइजिंगली हम दिल्ली में ही थे। कोई भी हमारे घर आ रहा होता है ना, उसको पहले तो पता ही नहीं होता कि हम घर पे हैं भी या नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम ट्रैवल ही कर रहे होते हैं। एनीवे, बिकॉज आज दोनों आ रहे हैं तो हमने सोचा ना प्रैंक करेंगे दोनों पे। अभी पिछली बार जब आए थे तब तो वो पहली बार था, अभी दूसरी बार आ रहे तो ऑब्वियसली अब तो घर वाली बात है, उनको प्रैंक करेंगे, मस्ती करेंगे। मैं सोच रहा था ड्रैग रेस करते हैं उनकी लेजेंडर और हमारी फॉर्च्यूनर। कर सकते हैं यार, ये भी कर सकते हैं। मैंने तो सोचा उनकी घोस्ट स्टोरीज भी सुनेंगे, कोई ना कोई हॉरर स्टोरी तो पक्का होगी यार उनकी। ये भी इसके दिमाग में ना भूतिया कीड़ा हमेशा कहीं से भी पिक कर लेना है। क्यों मेरा दिमाग है, मैंने ये सोचा कैसे नहीं। आज हम सौरभ और पीयूष की हॉरर स्टोरीज जानेंगे। यार पीयूष ना बच्चा, उसको रात को नींद नहीं आएगी पता है। मुझे तो लगता है कि वो हम सबसे बड़ा है, बहुत दिमाग है उसमें। उसकी स्टोरी सुनना चाहती हूँ मैं। लेट्स फाइंड आउट कि क्या क्या घोस्ट एक्सपीरियंसेस हुए उनके साथ। लेट्स फाइंड आउट, चलो वेट करते हैं, देखते हैं कब आते हैं। ओके फाइनली आ गए हैं। अभी हमारी ब्लैक फॉर्च्यूनर के साथ इनकी व्हाइट लेजेंडर। सही लग रही है, ज्यादा सेक्सी लग रही है यार ये तो। सही में ये डॉगी के साथ खेलने लगे। आ जाओ भाई आ जाओ। पीयूष तो बहुत लंबा हो गया रे। कॉम्प्लेन भी रहा डेली, मुझे लग रहा है इसका खाना भी ये खा रहा है। सीरियसली सौरभ कौन सी डाइट? मैं ऐसा ही हूँ। कौन सी डाइट ले रहा है तू, सच्ची बता दे। अरे मैं ऐसा ही हूँ। क्या तू आते कैमरा कहाँ ढूंढ रहा है, क्यों ढूंढ रहा है ये कैमरा? हम तेरे पे प्रैंक कर रहे थे, जैसा मेरे को डर लग रहा है। ये अंदर घुसते हुए डर रहा था, कह रहा कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस घर में। मैं कह रही हूँ सुन मेरी बात, इधर आज हम भूत बुलाएंगे। अरे आ तो सही यार, यूरी इतना ज्यादा तू एक्टिंग कर रहा है, मैं बता रही हूँ पीयूष ये गिर जाएगा पक्का। प्लीज मुझे अपनी कोई हॉरर कहानी सुना। एक काम करते पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद सुनाई हो। अभी डर गए क्या आप? हाँ मैं, तू अब मैं क्यों डरूंगी, मुझे भूत से डर नहीं लगता, मुझे भूत से मिलना है। हर्ष ने मंगाई है कूड़े मल की कुल्फी। पीयूष तेरे को कूड़े मल की कुल्फी खिला रहे हम। ये घबरा रहा तब से, ऐसा क्या है? हमने भी पहली बार मंगाई है। ओ वाओ यार एक्चुअली बहुत अलग स्पेशल चीज है, अनार कुल्फी है। अनार है, दिखा रहे मैंगो दिखा। तो पूरी कोशिश कर लिया है इसने कूड़े मल की कुल्फी तोड़ने की। ये क्या कुल्फी मंगाई यार, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। मैंने कहा कुछ अलग होगा, कुछ बहुत बढ़िया होगा, बट कुछ हो ही नहीं पा रहा। बहुत मेहनत के बाद कुल्फी। हाँ ये हट गया, ये खाने का नहीं था, ये ढक्कन था। नहीं ढक्कन था। अब सच बताइयो कैसी है? ऐसा लग रहा है मैंगो में बस कुल्फी भर दी है। मैंगो में कुल्फी भर दी, देख लिया हर्ष? मैं कह रही थी कि नॉर्मल कुल्फी मंगाते हैं, पिस्ते वाली। पैसा बर्बाद। सीरियसली जोलो चिप खा रहा है? नहीं खा लेते, जोलो चिप खा लेते हैं। ये खा क्या सब्जी है क्या, मजाक की रोज ऐसे बना के खा ली? जोलो चिप खाएगा तू? अरे यार प्लीज, मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ इस सिचुएशन के लिए कि ये जोलो चिप खाने वाला है। हॉस्पिटल ले जाना क्या है यार, ये पागल हो गया हर्ष। मैं रेडी नहीं हूँ, इसको रोक ले सीरियसली। यार तू खा लेगा? अबे मैं निकली यार थोड़ी बना रहा हूँ। अबे ये रोटी थोड़ी है कि तू जोलो चिप खा लेगा। बर्माणु बम थोड़ी बना रहा हूँ यार। ये सब जल जाएगा, ये सब जल जाएगा अंदर तक। कितनी बार खा चुका है? हॉल ऑफ फेम लिखा हुआ है इसमें। दो बार खाया है। सच में खाया तूने? मैंने भी खाया था। अबे मत खा यार, मेरी तो हालत बुरी जाएगी, क्यों मेरा पसीने तो। पीयूष ने हर्ष को चैलेंज किया है जोलो चिप खाने के लिए। यार इसको क्या शौक चढ़ा है, रोटी की तरह जोलो चिप खाना चाहता है। ये देखियो मैं इस चीज से दूर रहना चाह रहा था और ये खोल रहा है। हट जा, I'm very confident. ये बंदा यहाँ जोलो चिप खा रहा है और ये यहाँ पे आइसक्रीम खा रहा है। अबे भाई होने के नाते रोक ले इसको। अरे फाड़ ले, रोक ले यार, रोक ले। मेरे को रोक देगा वो। तूने कभी नहीं खाया वैसे, तू भी ट्राई कर हर्ष। नहीं इसने कभी नहीं खाया, ये तो करना पड़ेगा फिर, आपने कभी नहीं खाया। मेरे को डर लगता है। इट्स अ चैलेंज, इट्स अ चैलेंज, बच्चा चैलेंज कर रहा है आपको। तूफानी बच्चा है, बच्चा नहीं है। चलो दोनों खाएंगे। हाफ 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 हाफ। चलो अब आइसक्रीम खा लेना ठीक है, इसके बाद। और तू नहीं खाएगा? खाते आइसक्रीम खा लेना। तू नहीं खाएगा? ट्राई करूंगा पूरी। क्या कितना खाऊंगा? अबे भाई तू मत खा, मैं पूरा खा लेता हूं, तू मत खा, तू आइसक्रीम खा यार। हां ठीक है, पूरा खाओ, पूरा खाओ ठीक है। रहा है मेहमान को जोलो चिप खिला दिया ना, ये तेरी ट्रिक थी मुझे पता है। तो भाई पीयूष ने डिसाइड कर लिया है कि जोलो चिप तो आज खाया जाएगा यहाँ पे, और खाएगा कौन? हर्ष, क्योंकि घर आए मेहमान को वो जोलो चिप नहीं खिलाना चाहता ना। सूंघ ले अच्छे से सूंघ ले। अभी कोई खाने की चीज है यार, कितनी पैथेटिक शक्ल भी कितनी गंदी है यार। तो ये पीयूष की पूरी टैक्टिक थी कि जोलो चिप खोल के खिलाऊंगा मैं इसको। नहीं यार गया, अभी गया। ये खत्म है बंदा। आया स्वाद? आया स्वाद।
हर्ष कैसी लग रही है? सच में बता रहा हूं, सारी मीठी चीजें गायब करो। मैं कुछ देना, मैं खा रहा हूं सारी मीठी चीजें। इसको दे दे, मैं हो गया, हो गया कुछ बोल तो सही, सांस आ रही है बहुत तीखा है। अच्छा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आंखें दिखाइयो। ओह माय गॉड, इसने तो कुछ ज्यादा ही बड़ी बाइट ले ली है, इसने बहुत बड़ी बाइट खाई है। ये गया, ये गया, आइसक्रीम के बाद खाई है इसने। थोड़ी देर बाद लगेगा, कोई नहीं, हम देखते हैं कितना टाइम लगता है। चल बचे हुआ तू खाएगा जी पे टेस्ट। रहने दे, तू मत खा, तू मत खा यार, तू मत खा। क्यों नहीं यार, अबे रहने दे। जब बड़े लोग खा रहे होते हैं ना तो बच्चे नहीं खाते हैं। लग तो रही है लेकिन उतनी ज्यादा नहीं लग रही है, मेरे को लग रही है भाई। इसकी हाफ कर दे, हाफ तो खा लो इसकी, नीचे रखो। नहीं नहीं तू मत खा, अरे नीचे रखो इसकी, हाफ तो खा लो ये। और इसको कितनी वो हो रही है चुल की, मेरे को खाना है बस। चलो चेक को देख के हो रहा है, थोड़ी सी तू खाएगा? तूने वैसे कभी खाई नहीं, खा ले यार, खा ले। लेकिन एक डायलॉग मार के कवर कर दो, अच्छा तेरे को कुछ नहीं हुआ, तेरे को मिर्ची लगती नहीं है, सच में नहीं लग रही, थोड़ा देखो देखो सच में लग रही इसको, ये तो है अब खा लेते, बहुत हो गया ना, अभी आइसक्रीम खा रहे हैं दोनों। मैं नहीं खाऊंगा। फाइनली कूड़े मैल की आइसक्रीम सब खा रहे हैं। आँख से पानी, आँख से पानी सब हो गया है। दिखा ना आँख से पानी तो निकाल। इंडियन ओशियन। तो हमारे सारे खिलाड़ी जो है ना प्रस्त हो गए, मैंने सोचा अब थोड़ी सी मैं भी खा के देखता हूँ, चल आ जा साथ में खाते हैं। जोलो चिप, जोलो चिप। तू क्या करता है, तूने उसको बाइट भी किया फिर भी तेरे को नहीं लग रही, मुझे तो खाते लग रहा है। आ, क्या हो रहा है ये, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय। चल ना विकास, मुझे तुम लोगों के साथ नहीं आना। पहले या पता नहीं मुझे तो यार, बट आज सौरभ और पीयूष आए हुए, तो अपना एक किस्सा सुनाते हैं इनको, ठीक है? तो ऐसी मैं, प्रेरणा, निश्चय और अभिषेक जा रहे थे गाड़ी में, वहां पे एक आदमी था हमें, उन्होंने हमें रोक लिया और हमने कहा क्या हुआ, क्या मतलब कैमरा वगैरह देखा उन्होंने, तो वो कह रहे कि यहाँ पे तुम क्यों आए हो? हमने कहा बस हम ऐसे ये देखने आए हैं, हॉन्टेड साइट है, नहीं यहाँ अंदर मत जाना, ऐसे ही चला रहा अंदर, और उसकी ना एक आंख ना अलग थी, अलग थी, ऐसे कह रहे थे मुझे अंदर मत जाना, अंदर मत जाना। मेरे हाथ में कैमरा था ना, मुझे देख के कह रहे अंदर मत जाओ, शूट मत करो। फिर मैंने कहा कि अंदर कुछ हुआ है, अपने हाथों से 100 लाशें निकाली है मैंने बाहर। फिर थोड़ी देर में पता नहीं इसको क्या होता, माइंड फ्लिकर होता, जाओ चलो चलो मैं लेके चलता हूँ अंदर, कुछ भी नहीं अंदर, कुछ नहीं। हम चारों चले गए गाड़ी में, मैं ड्राइव कर रहा था, हमने अंदर चले गए, निश्चय आगे बैठा था मेरे साथ, उसने कैमरा निकाला, चलो मैं रिकॉर्ड करता हूँ क्या है। तो हम अंदर आगे गए, हमें थोड़ा सा ऐसे कुछ मतलब पेड़ था, बहुत बड़े बड़े पेड़ थे और ऐसे लटक रहा सब कुछ, पेड़ वगैरह थे। तो मैंने ऐसे कुछ, हाथ में कैमरा था, निश्चय ने कैमरा ऑन, कुछ है, मैंने निश्चय का कैमरा ऑन है रिकॉर्डिंग कर रहा, हाँ हाँ, और उसको ना एकदम से कुछ ऐसा लगा कुछ है, कह रहे जीजू आगे मतलब चलते हैं वापस, बहुत आगे। मैंने क्यों कह रहा, नहीं नहीं आप वापस चलो, मेरे को लग रहा कुछ, कुछ फील हुआ वहाँ पे, तो एक्चुअल में हुआ था। हम वापस आने लगे, हम देख रहे वो जो बाबा हमें बाहर कहानियां सुना रहा था ना भाई, वो बैरिकेड लगा के रास्ता बंद कर रहा था, हम वहीं रह जाते अंदर ही, मतलब जस्ट एक गाड़ी की जगह बची थी, बैरिकेड जो लगा रहे थे ना, वो इतनी शेडी जगह थी ना, तू इमेजिन भी नहीं कर सकता कैसे वहां पे पेड़ नीचे लटके थे। और मैंने भी एक्चुअल में अपनी आंखों से वहां पे नोट करा था कि कुछ है, और निश्चय ने रिकॉर्ड करा बकायदा, जब हम वापस आके बाहर फुटेज देखते हैं, हमने आगे जाके गाड़ी रोकी, हमने कहा चल देखते हैं क्या है, कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डिंग कोई थी नहीं, और वो निश्चय एकदम श्योर, मैं भी श्योर, मैंने कहा यार मैंने खुद सुना कैमरा ऑन था और तूने बंद किया, ऐसे बिल्कुल फील हुआ था, और बाहर आके कोई रिकॉर्डिंग नहीं, जीरो। बहुत रियल हॉरर स्टोरी है। साउंड इफेक्ट गाइस, अब ना एक्चुअल में पीयूष अपनी हॉरर स्टोरी सुनाएगा, हमें बहुत ध्यान से सुननी पड़ेगी क्योंकि बहुत डरावनी होने वाली है स्टोरी। प्रिंस को ठीक से पैदा तो होने दे, चल जो का एडी है
लोड़ी निकल गई जल्दी कर। चल स्टार्ट करते यार। बता तो ये स्टोरी पता किसकी है? साइलना है ना, उनकी है ये। ठीक है, जब साइलना मेरी एज की थी ना छोटे से, तो उनको विजन आते थे। ठीक है, पता है मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था, बड़े भी बता दिए मेरे को कि जब साइलना बैठे थे तो बैठे बैठे वो टीवी देख रहे हैं मस्त, तो जैसे हम अभी देख रहे हैं। उनकी आंखों में पता नहीं काला अंधेरा हो जाता था और एक सुई आती थी, एक सुई और एक गुब्बारा, तो साइलना बहुत डर जाते थे। फिर बड़ी मैं उनको मंदिर में लेके जाती थी, फिर हनुमान चालीसा पढ़ते तब ठीक होता था। सीरियसली मेरे गूज़बम्स आ रहे हैं। पर एक बात बताइए, ये अब ठीक है साहिल? अब ठीक है, वो अब कुछ नहीं है, उनको बहुत जगह जाकर वो कहते हैं झाड़ू से क्या करते हैं, हाँ जाकर करते हैं, सही है, झाड़ा करते हैं, बहुत बार झाड़ा करा था तब ठीक हुआ। अब इसने हमें सुनाई है ओरिजिनल हॉरर स्टोरी, और ये साहिल की है तो मैं बिलीव भी कर रही हूँ साहिल की स्टोरी पे। इसने कहा होता मेरी है तो मैं नहीं करती बिलीव, बट साहिल की है तो हाँ आई कैन बिलीव, बहुत ही ज्यादा स्पूकी है। सो गाइस बहुत मजा आया, पूरा दिन इतनी मस्ती करी, एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा फन करा, एंड में विनीत भी आ गए थे, एंड आई थिंक बहुत ही ज्यादा धमाकेदार दिन रहा। एंड नाउ आई एम जस्ट टायर्ड, सब जा चुके हैं, अभी मैं बस अच्छी सी एक नींद लेने वाली हूँ। आई होप यू गाइस एंजॉय वॉचिंग आज का व्लॉग, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।